हेलो एवरीवन, थीम ऑफ द वीक इज गो ग्रीन। अभी आपने देखा कि कैसे जो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रीज को सेव नहीं कर रहे हैं, अपनी ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए क्या करते रह रहे हैं कि उन ट्रीज को कट कर देते हैं, तो जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। अब आपको पता है बच्चों, ये ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं, हमें फूड देते हैं। अभी आपने देखा ना इस पिक्चर में मैंने कैसे बताया कि वो फ्रूट्स तो आपके लिए कितनी सारी चीज़ें देता है, ट्रीज फ्रूट देते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें देते हैं आपके लिए। और ये हम लोग आज क्या करते हैं, उनको अपने लालच के लिए, अपनी ग्रीड के लिए उनको कट कर देते हैं। और फिर लास्ट में आपने देखा कि वो फिर किस तरह से हम लोगों को जो नेचर होती है उसको क्या करती है, उसका रिवेंज लेती है, हमसे बदला लेती है। तो आपको बच्चों क्या करना है, अपने आसपास ट्रीज लगाने और क्यों लगाने हैं, है ना, बच्चों के मन में रहता है क्यों लगाएं। तो देखिए बेटा, जो ट्रीज होते हैं इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन मिलती है, फिर फ्रूट्स तो मैंने आपको बताया, वेजिटेबल फ्रूट्स, और एक बहुत काम की चीज़ हमें मिलती है इससे, वो है ये पेपर। पता है आपको, ट्रीज़ के पल्प से ही पेपर बनता है। अगर हम लोग ज़्यादा इनको कट कर देंगे तो फिर हमारे पढ़ाई कैसे होगी, हमारी बुक्स कहाँ से बनेंगी। और अब बात आती है कि सेव कैसे करें। अब हम सब लोग तो ट्रीज जा जा के जंगल्स में लगा नहीं सकते और उनको पकड़ भी नहीं सकते, भाई इनको मत काटो। तो आपको क्या करना है बच्चों, जो भी आपकी स्टेशनरी आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे सपोज़ आपके घर में पुरानी आपकी नोटबुक्स हो जाती हैं, अब मम्मा क्या करती है कि बेटा इसमें वर्क करो, बट बहुत सारे पीछे पेजेस इस तरह से बच जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, नहीं मम्मा हमें तो नई नोटबुक चाहिए, या लास्ट सेशन की नोटबुक थी हम वो यूज़ नहीं करते। आपको क्या करना है, जो आपकी लास्ट सेशन की नोटबुक्स हैं आप उनमें अपना राइटिंग वर्क कर सकते हो। और जब ये इस तरह से फिल हो जाए तो आपको इसको ऐसे ही कहीं भी फेंकना नहीं है, पेपर टियर करके, कि कोई भी पेपर कहीं भी टियर किया और उसको फेंक दिया। आप इसके लिए एक प्रॉपर कोई बैग बनाओ, कोई बॉक्स बनाओ जिसमें आप इसको कलेक्ट करो। कलेक्ट किस लिए करना है, जिससे ये फिर रीयूज़, रिसाइकिल के लिए जा सके। अब रिसाइकिल क्या होता है, रिसाइकिल मीन्स होता है बेटा कि जब अगर हमारा ये पुराना पेपर है या कोई भी चीज़ है, हमारी वेस्टेज है, तो वो फिर से यूज़ हो सकती है। अब ये पेपर कहाँ जाएगा, आपने देखा, आप एक आवाज़ सुनते हो, लोहा बेच, टीन बेच, रद्दी बेच, वो लोग क्या करते हैं, आपसे सारा का सारा ये मटेरियल लेते हैं। आपका जो भी वेस्टेज होता है, रद्दी जिसको आप लोग, जो पुरानी आपकी ओल्ड नोटबुक्स होती हैं, बुक्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वहाँ पर जाते हैं। फिर फैक्ट्रियों में क्या होता है, ये पेपर को दोबारा से पल्प बनाया जाता है, केमिकल्स डाल के इनको फिर से क्या बनाया जाता है, पल्प तैयार किया जाता है। और उस पल्प से फिर दोबारा से क्या बनता है, हमारे लिए पेपर बनता है, हम जिस पे लिख सकते हैं, अपनी ड्राइंग कर सकते हैं, आपकी बुक्स बनती हैं। तो आप लोगों को एक तो काम करने की, जो भी आपका पुराना नोटबुक्स वगैरह है आप उनको कचरे में मत फेंकिए, कहीं भी उधर उधर मत फेंकिए। इधर उधर फेंकेंगे तो वो आपके एनवायरनमेंट को गंदा करेगा, कहीं भी पड़ा है सड़ जाएगा। तो आपको अपनी नोटबुक्स या जितना भी पेपर है वेस्टेज है, मैं क्या करती हूँ, आपने देखा होगा स्कूल में भी मैंने एक अपना बड़ा सा कार्टन बनाया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें मैं कटिंग करके जितना मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पेपर होते हैं उनको मैं कटिंग करके रखती रहती हूँ कि वो मेरे रीयूज़ हो जाए। तो हमें रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना, रिड्यूस करना, रिड्यूस मीन्स कम से कम पेपर यूज़ करिए। अब ये नहीं कि आपने, पता तो चल नहीं रहा, फालतू में पेपर कटिंग कर करके गेरे जा रहे हैं, तो वो भी नहीं। आप जितना यूज़ कर रहे हैं ठीक है, और उसको यूज़ करने के बाद जब आपका मन भर जाता है, बच्चों का मन बड़ी जल्दी भरता है एक चीज़ से खेल के, तो आप उसको फेंके मत, उसको आराम से रख दीजिए कहीं पर भी, जिससे कि वो रिसाइकल के लिए फिर से यूज़ हो सके। आप बेकार पेपर से, आपने देखा ना बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, न्यूज़पेपर से या बुक से, पेपर से, पेन होल्डर हो गया, आपका फ़ोटो फ्रेम हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इन पेपर से बना सकते हैं। और इससे हम क्या करेंगे, एक ट्री को सेव कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा ज़्यादा पेपर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा हमारी ट्रीज कट होंगे और हमारा एनवायरनमेंट बिगड़ता रहेगा। एक चीज़ और है, पानी, है ना, वाटर।
वाटर आप वेस्ट नहीं करिए, वाटर वेस्ट होगा तो उससे भी क्या होगा, हमारी जो फील्ड हैं, जो हमारे खेत हैं, वहाँ पर पानी उनको सही से नहीं मिल पाएगा, और पानी नहीं मिल पाएगा तो हमारी जो क्रॉप है, हमारी फसल है, वो भी अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो जहाँ पर भी आप कहीं जाएँ, मैं भी अगर रोड पर भी जाती हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, जब भी अगर हम रोड पर भी जाते हैं वहाँ पर भी टैप लगी रहती है, टैप मीन्स टैंकियाँ, तो वहाँ पर अगर आपको कोई भी नल, आपको टैप खुला हुआ दिखे तो यू शुड हैव टू टर्न ऑफ दिस टैप, जिससे कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको वो पानी मिल सके। तो पानी बचाना है, पेपर बचाना है, अपने ट्रीज़ को बचाना है। और एक हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या प्लास्टिक का जितना भी वेस्टेज हो गया, जब तक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है या और भी बोटल्स होती हैं, उनको भी हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे भी हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी, मतलब उपजाऊपन उसका ख़त्म हो जाता है। तो हमें इधर उधर प्लास्टिक नहीं फेंकना है, ठीक है। सिर्फ बातें बातें करते रहते हैं सब लोग, और ये मैडम भी सिर्फ बात करती हैं, कुछ बताती तो है नहीं। पर ये मुझे आवाज़ कहाँ से आ रही है, कुछ आपने सुना है, कोई रो रहा है? ओ ये यहाँ पर कोई बैग है, ओ इस बैग के अंदर मैं हूँ, इस बैग के अंदर, प्लीज़ मुझे निकालो, मुझे निकालो। ओके आई विल सी, यहाँ पर तो सिर्फ ये बोतल पड़ी है, पता नहीं किसने ये बोतल, मुझे किसी ने घेर दिया है, प्लीज़ मुझे निकालो, बातें करती रहती हूँ, मुझसे कुछ करोगी? ये बोतल है मेरे पास, ओके क्या करोगी तुम मेरा? चलिए अगर मैं आपको मैजिक बोतल बना दूँ तो? वाओ, मैं मैजिक कर सकूंगी? कर सकोगी, तो जल्दी से मुझे बना। ओके ओके बच्चों, अभी मेरे हाथ में एक ये बॉटल लगी है प्लास्टिक की, चलिए इससे कुछ करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बात कर रही थी रिसाइकलिंग पर और एनवायरनमेंट पर, हमें गो ग्रीन पर। ओके बच्चों, ये आपकी मैजिकल बॉटल रेडी है, ये मैंने बनाया है मैजिकल वाटर कैन। हाउ इज इट वर्क? इसके लिए आपको एक छोटा सा मैजिक वर्ड बोलना होगा। कौन सा वर्ड बोलना होगा? आब्राकाडाब्रा, गीली गीली फू, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप। Start. I will not start because you are wasting water. I will give water only trees. Okay, dear. Thank you, dear. Now start. Stop. Start. Stop. अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक ये प्लास्टिक बोतल से एक छोटा सा प्लांटर बनाया है, सिर्फ बोतल को ऊपर से कट किया है और ये आपका प्लांटर रेडी है। इसके अंदर मैंने ये छोटा सा प्लांट लगाया है, अब बात आती है हमारी मैजिकल कैन की। ये मैंने एक पुरानी बोतल ली है क्योंकि मुझे भी जल्दी से करना था। वैसे थोड़ी देर आप इसको ना पानी के अंदर रखेंगे पेरेंट्स, तो ये इसका ये कवर आप जो इसका ये लेबल है ये क्लीन हो जाएगा। और ये मैजिक ट्रिक है, आपको क्या करना है, इसके अंदर ये मैंने इसमें होल किए हैं, आपको इसी तरह से होल करने हैं, और एक इसकी कैप में, एक छोटा सा होल मैंने इसकी कैप में किया है, इसको अच्छे से वाटर से फिल कर लेना है। जब भी आप इस पर कहेंगे, ये बच्चों को आप दिखाएंगे अच्छा लगेगा, जब इसमें पानी चलाना है तो हल्का सा ये जो होल है इस पर से फिंगर्स को हटा लेना है, जिससे कि इसमें एयर पास हो सके। तो एयर के प्रेशर से क्या होता है, वो पानी नीचे चला जाता है होल के थ्रू, और जब इसके ऊपर आप इसको कवर करेंगे तो उसके अंदर एयर नहीं जाएगी और क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप आप बच्चों को ये सब अच्छा लगा होगा, तो आप भी ये मैजिक करके देखिए पेरेंट्स। और प्लीज़ 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 रिसाइकल बॉटल्स, पेपर, चिन एवरीथिंग, आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।